तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईफोन के एक अपडेट के बारे में, क्योंकि गाइज इसके आपको पता होगा एप्पल ने अपना एक नया अपडेट निकाला है जिसका नाम है iOS 14। iOS 14 के अंदर आपको काफ़ी अच्छा अपडेट यहाँ पर निकाला गया है, बट यहाँ पर काफ़ी लोगों को कुछ तरह की जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने आईफोन को अपडेट नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पर रुक जाइए। अगर इस वीडियो को आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को सोचना होगा कि क्या हम लोगों को अपना आईफोन अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसकी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि एप्पल जो मोबाइल है इसके अंदर क्या हो रहा है, काफ़ी लोगों जैसे जिन लोगों ने अपडेट कर लिया है तो उनमें से काफ़ी लोगों जो कुछ प्रॉब्लम जा रही है, बट यहाँ पर कुछ लोगों को जो है अच्छा भी लग रहा है। अब सबसे अच्छी बात यहाँ क्या हो रही है, एप्पल को जैसे अपडेट किया तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर लोगों को पसंद आ रहा है, यहाँ पर जो आईफोन के विजिट्स होते हैं ये लोगों को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काफ़ी अलग डिफरेंट कुछ देखने को दिया जाता है। और ये था हमारा पहला अपडेट जो कि लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पर आपको पिन करने का मतलब कि आप लोग जो है किसी भी स्क्रीन वगैरह को जो है पिन कर सकते हो, होम स्क्रीन पे आप लोग किसी भी चीज को पिन कर सकते हो। ये काफी अच्छा अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एप्पल जो मोबाइल है उसने अपना खुद का एक ट्रांसलेशन ऐप निकाला है जो कि एप्पल की तरफ से लॉन्च किया गया है, ये भी काफी अच्छा अपडेट था। तो गाइस, ये तो कुछ ऐसे अपडेट जो कि लोगों को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है ऐसे अपडेट्स की जो कि लोगों को पसंद ही नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैमरा की। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा एप्पल के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे क्लियर ये फोटो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बट अब क्या हो रहा है, जैसे आप लोग आपकी सेल्फी वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपका जो फोटो होता है वो क्लिप ही नहीं हो रहा है। आप लोग कितनी भी कोशिश कर रहे हो, एक दो बार टैप कर दिया आपने फिर भी क्लिप ही नहीं हो रहा है। ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है इस चीज़ का, और ये चीज़ लोगों को काफ़ी ख़राब लग रही है। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, काफ़ी लोगों को ये तक प्रॉब्लम हो रही है कि इसके अंदर जो वाईफाई, ब्लूटूथ, यहाँ पर हॉटस्पॉट, डेटा वगैरह, इन सब के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, काफ़ी तरह के इश्यूज यहाँ पर देखने को दिए जा रहे हैं अपडेट करने के बाद में। तो इस अपडेट को देखने के बाद यहाँ पर जो इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर ये लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, किसी के ब्लूटूथ में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किसी की जो है यहाँ पर वाईफाई में प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी तरह के जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। तो गाइस, यही एक जो यहाँ पर काफ़ी तरह के इश्यूज जो है आपको एप्पल के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। बट अब बात आती है यहाँ पर कि अगर आप लोगों ने एप्पल को अभी तक जो है अपडेट नहीं किया है तो उससे पहले के अपडेट जो है मतलब कि मैंने आपको बताया अपडेट करने के बाद कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपको दिख सकती है। तो अब बात आती है कि जिन लोगों ने यहाँ पर एप्पल मोबाइल को अपडेट कर लिया है उन लोगों को क्या कर सकते हैं, कि क्या आप लोग यहाँ पर ये बात सोच रहे हो कि यार हमने अपडेट कर लिया कि अब हमारे फ़ोन का क्या हुआ और आपको क्या ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अब बात आती है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम दिख रही है तो इसका समाधान क्या हो सकता है, इसकी प्रॉब्लम को आप लोग कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इसके लिए अगर आप लोगों में बताऊं तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं वीडियो के एंडिंग में मैं आपको इस चीज़ का जो है सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहली बात, अगर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो इसका क्या है, एक सिंपल सा उपाय है, और वो ये है कि आप लोग जो है एक वेबसाइट में आपको बताता हूं, उसके अंदर आप लोग जो है अपने फ़ोन का जो भी डाटा है, आप लोग मान लीजिए आपका जो फ़ोन है वो अच्छे से चल ही नहीं पा रहा है आपके मोबाइल में, अगर जैसे आप लोग इसे रीसेट करते हो, रिबूट करते हो, तो भी आपको जो है आपका जो डिस्प्ले होती है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, मतलब बिल्कुल जाम हो जाता है, आपको जो है एप्पल का जो साइन होता है वो आपको डिस्प्ले पे देखने को दिया जाता है, इससे आगे जो है कुछ भी नहीं हो पाता है। तो अब आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होगा कि आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं एक वेबसाइट पर जिसका नाम है यहाँ पर डॉक्टर फोन एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आपको iOS को जो है रिकवर सिस्टम करने का जो है आपको सिस्टम आप लोग रिकवर भी कर सकते हो। अब बात आती है इसे रिकवर कैसे करना है, तो इसके लिए आपको सबसे सीधी सी उपाय इसका कि आप लोगों जो आईफोन है इसको आप लोगों को देख के जाना है यहाँ पर रिकवरी मोड पर, और रिकवरी मोड को आप लोग ऐसे इनेबल करेंगे तो आपको अपना आईफोन जो है यहाँ पर लैपटॉप वगैरह से आप लोग जो है इसे कनेक्ट कर सकते हो, और लैपटॉप से आप जो इसे कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसे जो है डीकम्प्रोज मतलब कि आप जो है अपने जो भी फॉर्मेट आपके जो मोबाइल में जो भी चीज़ें थी सब कुछ जो भी मतलब कि आपका फोटो जो भी सब कुछ आपका जो भी डेटा वगैरह था वो सब आप लोग जो है यहाँ पर रिकवर भी कर सकते हो। और
रिकवर होने के बाद आपका जो मोबाइल है वो पहले की तरह काम करना शुरू कर देगा और ये कुछ आप लोग यहाँ पर इस तरह से आपकी प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है फटाफट से लाइक करो, चैनल पर पहली बार आप जो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो गाइस आज की छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को आपके तमाम दोस्तों में शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर से जरूर कर दीजिए। तो गाइस आज की छोटी सी वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।